नमस्कार दोस्तों, देश देखेगा मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है ये इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक अपडेट न्यूज़ है आज के डेट में। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट यानी आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई अक्षरयान। अब ई अक्षरयान क्या होता है इसी के बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में। गवर्नमेंट लॉन्च ई अक्षरयान सॉफ्टवेयर इन 7 इंडियन लैंग्वेजेस। तो पहले तो बता दूँ कि ये सॉफ्टवेयर खासकर इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग जो डॉक्यूमेंट पिक्चर स्कैनर से स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उसमें आप लोग कोई गलती हो जाए या फिर कुछ कमी है उस डॉक्यूमेंट में तो आप उसको सुधार नहीं सकते, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आप लोग इस बार ऑफलाइन में ही इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसमें पूरी तरह से एडिट कर पाएंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है अभी ये इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इंडियन लैंग्वेज OCR। तो ये पूरा इंटरफेस है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्री सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्कैन इमेजेस। तो अब बता दूँ कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करती है और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चार पॉइंट दिए गए हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री में लॉन्च किया है जो कोई भी स्कैन इमेज को एडिट कर पाएगी। अब दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि आईटी मिनिस्ट्री ने जो लॉन्च किया सॉफ्टवेयर ये डेस्कटॉप के लिए है जिसका नाम है ई अक्षरयान और ये एडिटिंग करने के लिए बहुत ही उपयोगी है जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं स्कैनर से। और ये आपको वेबसाइट से फ्री मिल जाएगी ये सॉफ्टवेयर। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे कहना है कि ई अक्षरयान जो सॉफ्टवेयर है ये कन्वर्ट कर सकती है आपके स्कैन जो अपने स्कैन किए हैं उसमें जो लिखे हुए हैं उसके जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को अपनी भाषा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिकोड और एनकोडिंग की सुविधा दी गई है। इससे आप कोई भी इंग्लिश वर्ड मान लीजिए स्कैन हुआ है उस स्कैन हुए इंग्लिश वर्ड को आप यहाँ पे ऑफलाइन बड़ी ही आसानी से अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंग्लिश का वर्ड है, आप उसको एडिट करके बंगाली में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं या फिर तमिल में या फिर कन्नड़ा में या आसामी में। और चौथा जो पॉइंट है उनका कहना कि दी सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग एडिटिंग इन 7 लैंग्वेजेस। तो जैसा कि मैंने कहा अभी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये 7 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं सबसे पहला है हिंदी, बंगला, मलयालम, गुरुमुखी, तमिल, कन्नड़ा और आसामी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट PDF टू योर ईमेल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ईमेल बैठा के इसको सेंड कर देना है। तो आपका जो मेल है वहाँ पे एक मेल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसके बारे में लिखा हुआ है, कैसे डाउनलोड करना है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि अभी इसमें डाउनलोड ऑप्शन ठीक से आ नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो साइड में देख रहे हैं आप डाउनलोड आवर ऐप्स, तो बता दूँ कि ये आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये डेस्कटॉप के लिए है, ये कोई ऐप नहीं है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे इसका डाउनलोड लिंक मुझे मिल जाता है यहाँ पे डेस्कटॉप में तो मैं ज़रूर वो इसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। फिलहाल अभी इतना ही था इस वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।